नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। जिले के इटहा गांव निवासी एक विवाहिता की शुक्रवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोग हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। कोतवाली नानपारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटहा के लोनियन पूर्वा में शुक्रवार शाम लगभग 5 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में पूनम पत्नी बदलू उम्र लगभग 25 वर्ष की मौत हो गई। इटहा निवासी बदलू की शादी हरदी थाना क्षेत्र के मासा डीहा गांव से हुई थी। उनको 3 वर्ष का एक लड़का भी है। सूचना पाकर पूनम के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे और नानपारा पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर कोतवाली नानपारा प्रभारी निरीक्षक व मजिस्ट्रेट हर्षित पांडे मौके पर पहुंचकर सभी से जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक पूनम के मायके वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। नाम तुम्हारा? गोपाल। कहाँ के रहने वाले? थाना वहाँ। मौत हुई कौन तुम्हारी? हाँ, पतवा हुआ। कैसे मौत हुई? अभी हम जाए नहीं, क्या हुआ था इसके साथ? किसी से विवाद हुआ था? दोनों पर इनको सिर्फ टिनफोल भरा है। तो क्या फांसी लगाई थी कि जे कुछ खाई थी? ना फांसी लगाई था और ना कुछ हुआ। तो कहाँ मिली तुमका? हमको यहाँ पूरब मिली है यार। और या वो टेम्पो से उतरी है कि जान लो कि वो ऐसे गिरी गई यार। अच्छा, कौन गांव के पास? बाबा गुरदिया के। कौन गांव? कौन गांव? इटहा। इटहा इटहन में? इटहा के 3 किलोमीटर बाहर। कौन गांव? लोनियन पूर्वा पर। लोनियन पूर्वा में। अच्छा, तो कहां गई थी ये? ये पूर्वा का आवाज रहा। अच्छा, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।